Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Assistant Professor Varsha Bharti. So, children, today we are going to learn about public relations for class FYBAMMC, SEM 2, Module 2, and the subject is Introduction to Advertising. So, let us understand what is the term public relations. आजकल हम लोगों के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा सुनाई देने वाला ये वर्ड है एज वी बिलोंग टू मास मीडिया. बीइंग अ मास मीडिया स्टूडेंट्स, यू ऑल शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पब्लिक रिलेशन. इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस टू बी क्लियर फ्रॉम इट्स बेस दैट दिस टॉपिक विल बी विथ यू लाइफ टाइम. व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस टर्म इज PR. So, what does the PR practitioner do? PR practitioner does a lot of things that is related to marketing, advertising, branding, brand building, brand management, making the reputation of the company in a good way that the customer relationship is developed day by day. So, why do we practice PR for any of the company? Is because whenever there is any problem that defames the image of the company, the PR practitioner plays a vital role in making the image of the company positive again. Or else, whenever we say PR practitioner is increasing the sales of the company, that is because of the sales and promotional activities that is done by the PR practitioner for marketing purpose and for sales purpose. We can all see the terminologies related to public relation, that is reputation, social image, then organization. There is this word speeches. I can take a good example, that is our PM Narendra Modi. उनकी स्पीचेस जो होती है ना, वो ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट उन्होंने लिखी है. उनकी स्पीचेस इस तरीके से बनाई जाती है ताकि उनका जो रिलेशनशिप है इंडियंस के साथ वो बना रहे. उनका PR काफ़ी अच्छे से अपना कैंपेन प्लान करता है और फिर ही वो लॉन्च होता है. सी, विथ अ सर्टन कैंपेन दे कैन विन द हार्ट्स ऑफ द इंडियंस. And this is how he plays a very good image in our India. Let us move further and understand the meaning of public relation. Public relation is nothing but a set of techniques and strategies that are related to managing how information about an individual or a company is disseminated to the public and especially to the media. अब कोई भी एक individual है, जैसे कि मैंने नाम लिया हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो इतनी बड़ी ह्यूज पर्सनालिटी है, उनके भी PR प्रैक्टिशनर्स काफ़ी हद तक मेहनत करते हैं टू ताकि उनका जो पॉजिटिव इमेज है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली सस्टेन्ड रहे. ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए जिस तरीके से उनका PR डाउन हो जाए या डिफेम हो जाए. सेम गोज फॉर द कंपनी. अगर कोई भी कंपनी है, ह्यूज, वी हैव ह्यूज MNCs इन द वर्ल्ड वाइड, सो व्हाट दे डू इज दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन गुड PR एक्टिविटीज टू मेक द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी लुक गुड टूवर्ड्स द कस्टमर्स एंड टूवर्ड्स द टारगेट ऑडियंस. अब इंडिविजुअल्स में सारे तरीके के लोग आ सकते हैं, सेलिब्रिटीज आ सकते हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, एथलीट्स, क्रिकेटर्स, एवरीथिंग. Next is, its primary goals are to disseminate important company news or events, maintain a brand image and put a positive spin on negative events to minimize their fallout. Now I can take a good example of Ranveer Singh. जब उन्होंने nude photoshoot किया था, तब उसको कैसे PR वालों ने वो कैंपेन को हटा दिया, घुमा दिया, लोगों के माइंड से स्पिन आउट कर दिया. ये क्वालिटी होती है PR प्रैक्टिशनर्स की, टू मेक द नेगेटिव इमेज ऑफ दैट इंडिविजुअल कन्वर्टेड इनटू एन अ पॉजिटिव इमेज. नेक्स्ट इज, मैगी का भी एग्जांपल ले सकते हैं. मैगी ने कैसे एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च किया और उसके बाद उनका जो कैंपेन सक्सेसफुल गया, उसके बाद ही जो मैगी बैन हो चुकी थी वो वापस इन मार्केट्स आ गई. PR में ऑकर इन एनी फॉर्म ऑफ कंपनी प्रेस रिलीज,
नाउ व्हेनेवर देयर इज एनी न्यू रिलीज, जैसे कि कोई टीजर आ रहा है, कोई ट्रेलर लॉन्च आ रहा है, या फिर कोई बड़ी कंपनी है जो लोग अपनी कंपनी के लिए कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट लाइन में, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, प्रेस रिलीज होती है उसमें, वहाँ पे जर्नलिस्ट आते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं और इस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें काफ़ी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कोई बुक लॉन्च होगा तब, या किसी सेलिब्रिटी का कुछ नेगेटिव पीआर हो चुका है तो उसको, वो इमेज को सॉर्ट आउट करने के लिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, एक इंटरव्यू सेटअप करवाएंगे टीवी शोज पे या कोई न्यूज़ चैनल पे, उनका पीआर उनके लिए ऐसे सब एक्टिविटीज़ करेगा, अच्छे अच्छे कैंपेन्स में उनको इन्वॉल्व करेगा, एनजीओ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेगा, तो जैसे कि उनका इमेज वापस से रीडेवलप हो जाए। ये सेम कंपनीज़ के साथ भी होता है, कंपनीज़ का भी ह्यूज लॉस हो सकता है जस्ट व्हेन द पीआर गोज डाउन ऑफ द कंपनी। सो लेट अस अंडरस्टैंड वॉट इज पी आर एंड वॉट इज एडवर्टाइजिंग। अब हमने समझा कि पी आर का काम एडवर्टाइजिंग में क्या है, क्यों हम लोग एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, या क्या जरूरत है पी आर की इन एडवर्टाइजिंग। बट अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन पी आर एंड एडवर्टाइजिंग। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग, हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, FMGC प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, ट्रेड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं दिमाग में। बट हमको ये समझना है कि काफ़ी हद तक एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन में एक ह्यूज फ़र्क है। कैसे, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एक पेड फॉर्म ऑफ एक्टिविटी होता है। हम किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जाके पे करेंगे, उनको जाके बताएंगे कि ये हमारा स्ट्रैटेजी है, हमारा बजटिंग है, नाउ वी आर प्लानिंग दिस, हमारा प्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए, द होल प्रोसेस इज डन। पर पीआर हर बार अर्नड, हर बार पेड नहीं होता है, बहुत बार अर्नड भी होता है। कैसे, हमको लोगों का दिल जीतना है, वी हैव टू मेंटेन द रिलेशनशिप विथ आर कस्टमर्स। जैसे कि अगर प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ गया, आई एम कॉलिंग द कंपनी दैट दिस एंड दिस थिंग इज फॉल्टी इन योर प्रोडक्ट, तो कंपनी क्या करेगी, एक रिप्लेसमेंट भेजेगी और उनको एक गिफ्ट हैम्पर भी भेजेगी टू मेक दैट कस्टमर हैप्पी अगेन, सो दैट दे कंटिन्यू बाइंग द प्रोडक्ट। सो दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रैटेजी टू रीगेन द ट्रस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो ये क्या हो गया, एक पी आर एक्टिविटी हो गई। ऐसे ही बहुत सारी पी आर एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम लोग अर्न करते खुद से, देन देर इज पॉसिबल स्पेक्टिकल ऑडियंस, और यहाँ पे है मीडिया गिव्स इट द थर्ड पार्टी वैलिडेशन। अब मीडिया में पब्लिक रिलेशंस का एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक होता है जो कंपनी है वो, देन इज द पीपल द टारगेट ऑडियंस द एंड द थर्ड इज मीडिया। नेक्स्ट इज गारंटीड प्लेसमेंट, नो गारंटीज नो कंट्रोल्स। पी आर नेगेटिव भी जा सकते हैं, पॉजिटिव भी जा सकते हैं। बहुत सारे पब्लिक स्टंट्स हीरोइंस एक्ट्रेसेस एक्टर्स इसलिए करते जस्ट टू गेन पीआर, बी इट नेगेटिव और पॉजिटिव। राखी सावंत का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, उनको बस पब्लिसिटी चाहिए, उनको ऑडियंस का अटेंशन ग्रैप करना है, सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो नेगेटिव पीआर भी कर सकते हैं। देयर इज एन एग्जांपल आई कैन टेक ऑफ एन इन्फ्लुएंसर दैट इज उर्फी जावेद। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पीआर कि किसी भी तरीके से बस मीडिया में सुर्खियों में छाए रहना है। बट एडवर्टाइजिंग का ऐसा नहीं है, प्लेसमेंट गारंटीड रहती है कि टीवी पे आएगा, टीवीसी पे आएगा, रेडियो पे आएगा, पोस्टर पे आएगा। नेक्स्ट इज कंप्लीट कंट्रोल, एडवर्टाइजिंग पे कंप्लीट कंट्रोल होता है हमारा, कितने सेकंड्स की ऐड होगी, कब कब रिलीज होगी, कितने दिन, एक दिन में कितनी बार रिपीटेड टाइम्स पे आएगी, दिस इज ऑल इन अ ऑर्डर एंड इट इज इन कंट्रोल। नेक्स्ट पब्लिक रिलेशन में इट बिल्ड्स ट्रस्ट। अब एडवर्टाइजिंग में हम सब देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने देख के ख़रीदा भी, बट पब्लिक रिलेशन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिससे हम लोग प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं। पहला होता है एडवर्टाइजिंग होता है, फिर होता है सेल्स एंड प्रमोशन, देन इज पीआर। तो जब पीआर एक्टिविटी होती है तब देर इज़ अ डेफिनेट 80% चांसेस कि बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा ही।
लास्ट इज एडवर्टाइजिंग इज मोर एक्सपेंसिव एंड पब्लिक रिलेशन इज लेस एक्सपेंसिव. एडवर्टाइजिंग इज द एक्ट ऑफ गार्नरिंग पब्लिक अटेंशन ऑफन थ्रू द यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया. अब एडवर्टाइजिंग हम लोग किस किस तरीके से करते हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टीवीसी, देन वी कैन डू डायरेक्ट मेलिंग, देन वी कैन गो फॉर न्यूज़पेपर एड्स, प्रिंट एड्स, रेडियो एड्स. अ कंपनी मे वॉन्ट टू एडवर्टाइज टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और अनाउंस एन एक्सपांशन इन टू अ न्यू मार्केट फॉर अ ग्रोथ कंपनी और रिवील प्राइजिंग चेंजेस. While advertising is the intentional act of trying to be in the spotlight, public relation is more strategic and thoughtful approach about how a company should be interacting with internal or external stakeholders. अब ये जो advertising है, ये एक ऐसा act है जो हम लोग intentionally करते हैं to be in spotlight. But whereas public relation है जो बहुत ही thoughtful act होता है, जो purposely नहीं किया जाता है, but हाँ तब तब किया जाता है जब जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है कंपनी को. इट मे बी इन द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट इन ले लो एंड स्ट्रेंथन इट्स रिलेशनशिप विद द पब्लिक बाय नॉट बीइंग इन फ्रंट एंड सेंटर. सो ये सारे हम लोगों ने डिफरेंसेस समझे कि पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग में क्या फर्क है. नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट इज एडवांटेजेस ऑफ द पब्लिक रिलेशन. फर्स्ट इज इन्फ्लुएंसिंग. अब जब भी हम लोग पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं टू परचेज दैट प्रोडक्ट और वी आर मेकिंग देम ट्रस्ट ऑन आर प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट दे विल लाइक इट एंड दे विल बी सेटिस्फाइड विथ आर प्रोडक्ट. ऑडियंस आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट मैसेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव सोर्स रेदर देन पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेजेस. अब हम लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पर काफ़ी बार इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, वो लोग प्रमोशन करते हैं. अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसको मैं बहुत बाय हार्ट फॉलो करती हूँ एंड आई नो इफ शी इज़ गिविंग दिस रिव्यू, दिस इज़ ट्रू रिव्यू, तो मैं क्या करूँगी, मैं वो प्रोडक्ट खरीदूँगी एंड आई विल अप्लाई इट ऑन माई स्किन एंड देन मोस्ट काफ़ी हद तक चांसेस है कि आई विल लाइक दैट प्रोडक्ट. सो दिस ऑल कम्स अंडर व्हेन आई ट्रस्ट द इन्फ्लुएंसर. तो यही बात होती है, जब पीआर प्रैक्टिस होती है ना तब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऐड देख के छोड़ नहीं देते. हम लोगों ने ऐसे बंदी को देखा जिस पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, जो एक्चुअली में अच्छा रिव्यू देती है और जो बेनिफिशियल वीडियोज बनाती है, तो मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा एंड आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट. रीच, सेकेंड पॉइंट, रीच क्या होता है, अ गुड स्टोरी कैन बी पिक्ड बाय सेवरल न्यूज आउटलेट्स और एक्सपोजिंग योर मैसेज टू अ लार्ज ऑडियंस. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, बीट यूट्यूब, बीट इंस्टाग्राम, बीट ट्विटर, बीट स्नैपचैट, एनी ऑफ द आउटलेट्स यू सी, एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स यू सी, इट हैज़ बीन वेरी इजियर टू इंक्रीज द रीच ऑफ द ऑडियंस. देन इज कॉस्ट इफेक्टिव. PR is much cheaper than advertising. Advertising का budget काफ़ी ज़्यादा होता है, PR का budget कम होता है. PR की छोटी activities भी बहुत बड़ा impact play कर सकती है, but ऐसा ज़रूरी नहीं है कि advertising करने पर product खरीद ही रहे हैं. As I said, advertising तो पहले होता है, PR बाद में आता है. PR is all about trust between the company and the customer. Now let us understand what are the disadvantages of public relation. There is no direct control. Like I said, PR negative bhi ja sakta hai, PR positive bhi ja sakta hai. You are not knowing what is going to happen. Next is there is no guaranteed results. Ab humne ek campaign launch kiya, ho sakta hai wo campaign fail ho jaye. Then what is the solution for that? We will again launch a new campaign to regain the trust of the customers or to influence them to be in the faith of the company. Third is evaluation. In PR we can evaluate, also in advertising we can evaluate. This is a difficult point, we can say. पूरे हद तक evaluation नहीं कर सकते, but हाँ कई तरीके से हम लोग evaluation कर सकते हैं. जो measurement of PR activities है वो effectiveness हम लोग measure नहीं कर सकते. Thank you very much. This was it. We understood what is PR, what is meaning of PR, what are the differences between advertising and PR,
what are the advantages and disadvantages of the PR. In the next lecture, we will understand more briefly about PR and advertising. Thank you very much.